लॉकडाउन के परेशानी भरे वक्त में सायहापुर के भाजपा विधायक रोशनलाल वर्मा ने एक सराहनीय पहल की है। भाजपा विधायक ने बाकायदा कसम खाई है कि उनकी विधानसभा में जनता को भूखे पेट नहीं सोने दिया जाएगा। आज भाजपा विधायक ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 500 से ज़्यादा लोगों को राशन दिया और मुंह ढकने के लिए अंगोछा दिया। इस दौरान भाजपा विधायक ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और बचाव के लिए शपथ भी दिलवाई, शेर व शायरी के जरिए कोरोना से बचने की सलाह दी। वहीं इलाके के लोग भाजपा विधायक की इस पहल से खुश नजर आए। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जागरूक कर रहे यह तेलहर से भाजपा विधायक रोशनलाल वर्मा हैं। यहां बीजेपी विधायक ने पहले जरूरतमंद लोगों को गोला बनाकर उसमें बैठाया, उसके बाद में 500 से ज्यादा लोगों को राशन और मुंह बांधने के लिए अंगोछा दिया, तो वहीं महिलाओं को दुपट्टा दिया। इसके बाद भाजपा विधायक ने कोरोना से बचाव के लिए लोगों को शपथ दिलवाई। शपथ में उन्होंने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और मुंह पर कपड़ा बांधने की सलाह दी। वहीं कोरोना की दहशत के बीच भाजपा विधायक ने शेर व शायरी के जरिए लोगों को कोविड-19 से बचने की सलाह दी। इस दौरान भाजपा विधायक रोशनलाल वर्मा ने खुद भी इस बात की कसम खाई है कि उनकी विधानसभा में एक भी शख्स भूखा नहीं सोएगा। उनका यह भी कहना है कि वह योगी और मोदी के सैनिक बनकर अपनी विधानसभा में लोगों की भूख मिटाएंगे। देखिए, हम माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सिपाही हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के मैं उनका सिपाही हूं। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय योगी जी ने जो कहा है अभी कल ही सवेरे 10 बजे कि हम लोगों को गरीबों की सेवा करने हैं, गरीबों को जो परेशान हैं जिनके घर में खाने नहीं, उनकी सूचीबद्ध करके हम गांव-गांव तक खाद्य सामग्री और मास्क पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से कोई संदेश भी दिया है आपने, लोगों को अपील भी की है, शपथ भी को दिलाई इनको? हाँ, मैंने अपील की है, मैंने लगातार अपील की है कि ये कोरोना जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। केवल इलाज इसका एक ही है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दूरी बना के रखना है, गांव-गांव संदेश देना है। हर गांव में संदेश ये पहुंचेगा और पहुंचाएंगे कि दूरी बनाने से ही इस बीमारी का इलाज है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। कहा था कोई भूखा ना रहे, तो क्या वादा करते हैं अपनी जनता? हाँ, मैं वादा करता हूँ कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में, पूरी विधानसभा में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। पहली बात तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जनधन खाते में पैसा कोटे, मैंने अभी जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ मैंने 2000 राशन कार्ड अभी बनवाए हैं। इससे पहले भी युद्ध स्तर बनवाए थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो गरीब हैं, जिनको खाने पीने की असुविधा है, परेशानी है, कोई भी व्यक्ति भूखा मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई भी नहीं रहेगा। विधायक जी, जनपद में और भी तमाम बड़े नेता हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, आपके मन में आखिरी ख्याल क्यों आया है कि क्यों, किस तरीके से? देखिए, ऐसा है, उनको जो भी बड़े लोग हैं उनको विरासत में मिला होगा। जो आज मैंने यहाँ पर कमज़ोर गरीबों के लिए सेवा की है, ये सेवा मैंने एक समय वो था कि मैंने गरीबी देखी है, गरीबी झेली है, गरीबी में रहा हूं, इसलिए मुझे पीड़ा है। आज पहले दिन उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए 500 से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को राशन और अंगोछा दिया। उन्होंने पुरुषों को अंगोछा तो वहीं महिलाओं को दुपट्टा देकर उसे मुंह पर बांधने की शपथ दिलवाई। वहीं भाजपा विधायक के इस जज्बे की लोग सराहना करते नजर आए। अंगोछा मिला, राशन भी बांटा, विधायक ने बहुत अच्छा काम किया। गांव में बताएंगे सब लोग अंगोछा बांधें और अपना दूरी बना के रखें थोड़ा। और घर में क्या क्या बताओगे? घर में साफ सफाई रखें, दूरी बना के रखें, इसी यही इलाज है कोरोना बीमारी का। गांव में बताएंगे लोगों? हाँ, सबको बताएंगे ये बात कि हाँ, अंगोछा बांधें सब लोग मुँह में, अपनी दूरी बना के रखें थोड़ा थोड़ा। हाँ, उसका शपथ दिलवाए, अपना हिसाब से रहें, दूरी बना के रखें, और जो जो बांटा उनने बहुत अच्छा काम किया। भाजपा विधायक का मानना है कि उन्होंने गरीबी और भुखमरी देखी है, इसलिए वह परेशानी और भूख को समझते हैं। यही वजह है कि उन्होंने इस खास बात की कसम खाई है कि अपनी विधानसभा में वह किसी भी शख्स को भूखा नहीं सोने देंगे।